हे गाइज, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आया था कुतुब मीनार देखने के लिए और यहाँ से मैं अब टिकट लेके निकल रहा हूँ सामने गेट की तरफ। कुतुब मीनार जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो कुछ नज़ारा ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये कुतुब मीनार घूमने का मैप है, कहाँ पे क्या है। यहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था भारत में तो जो उसमें स्टीव स्मिथ नाम का एक अंग्रेज़ था, तो इस जो आप देख रहे हैं ये खम्भे नुमा बिल्डिंग बनी हुई है, उस समय पर उसने यहाँ पे अपना ऑफिस बनाया था, तो इसलिए आजकल इसको स्टीव स्मिथ ऑफिस के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखिए, आगे तक मैं आपको दिखाता चल रहा हूँ। ब्लॉग बना रहा हूँ। ये है अलाई दरवाज़ा, मैं इसको आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने 1192 से 1210 के बीच में बनवाया था। मैं पास जाके इसकी नक्काशी दिखाता हूँ जो बहुत ही महीन है। आप देखिए इन पत्थरों में कितना महीन काम किया गया है। ये अलाई दरवाजे के अंदर का सीन है। आप देखिए यहाँ पर जो ईंटों का प्रयोग हुआ है उनमें कितनी महीन नक्काशी की गई है, जो इस समय तो मुझे लगता पॉसिबल भी नहीं है। और यहाँ पे जालियाँ भी हैं बाहर से अंदर रोशनी आने के लिए। ये इमाम जामिन का मकबरा है जो 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसके अंदर कुछ ऐसा है। आज संडे का दिन है इसलिए भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कुतुब मीनार के ऊपर चढ़ने के लिए भी एक दरवाज़ा है जो इस समय पर बंद कर दिया गया है। चलते हैं लौह स्तंभ के पास में और आपको दिखाते हैं जो गुप्त काल का यहाँ पे एक लौह स्तंभ भी रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि राजा अनंगपाल तोमर ने यहाँ पर इसको लाया था। लौह स्तंभ के तुरंत दाएं हाथ में ही ये खम्भे नुमा एक बिल्डिंग बनी है। इसमें भी बहुत अच्छी कारीगरी इन खम्भों में की गई है। मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ। लौह स्तंभ के एकदम सामने जो बिल्डिंग बनी है, बिल्डिंग कहूँ या दीवार कहूँ, उसमें फ़िलहाल ही मरम्मत का काम चल रहा है। उसमें भी बहुत महीन कारीगरी की गई है। आज संडे का दिन है इसलिए भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। थोड़ी दूर आगे चलने पे हमें इल्तुतमिश का मकबरे के बारे में कुछ बताया गया है यहाँ पे। और चलते हैं इल्तुतमिश का मकबरा देखते हैं। इल्तुतमिश का जो मकबरा है
उसको काफ़ी ऊंचाई से बनाया गया है और ये संगमरमर से ढका हुआ पूरा है और इसमें भी बहुत अच्छी कारीगरी दिखाई दे रही है। यहाँ पर उर्दू से कुछ लिखा भी है, आप लोग देखिए। इल्तुतमिश का मकबरा लगभग 1235 ईस्वी में बनवाया गया था, जो करीब 9 वर्ग मीटर चौड़ा है और इस समय जो आप देख रहे हैं ये ऊपर से खुला हुआ है और इसके चारों तरफ की दीवारों में बहुत अच्छी नक्काशी। अब मकबरे से बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ अभी मुझे हॉरन पर्यटक दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देखिए बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे आ गए हैं। तुम्हारा फोटो सही में वाकई बढ़िया ले ले, आ जाओ। उस समय पीने के पानी की व्यवस्था कुतुब मीनार के अंदर इसी कुएं से की जाती थी। चलो मैं इस कुएं को आपको ऊपर चल के दिखाता हूं, जो कि इस समय लोहे की एक जाली से ढका हुआ है, आप लोग देखिए। ये रास्ता अलाई मीनार की ओर जाता है और आगे चल के देखते हैं अलाई मीनार कैसी है। अलाई मीनार के पश्चिम में ऊपर एक छोटा सा दरवाज़ा भी दिखाई दे रहा है, ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे का मुख पश्चिम दिशा की है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। कुतुब मीनार के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा बगीचा टाइप बना है, यहाँ पर काफ़ी लोग फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे हैं। और यहाँ पे किनारे किनारे फूल भी लग रहे हैं यहाँ पे। और चलते हैं आगे देखते हैं। और आगे जाते जाते हमें खलजी का मकबरा मिला है, आइए चलते हैं इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। अरे वहाँ तो चले गए। इसके अंदर काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें चारों तरफ हैं। और ये रहा खलजी का मकबरा, इसके अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। मकबरे के ऊपर जाने का रास्ता भी है लेकिन फिलहाल अभी ये बंद कर दिया गया है।
खलजी के मकबरे से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही पुराना पेड़ भी दिखाया गया है और उसके नीचे बैठने की जगह भी है। थोड़ा सा और आगे चलने के बाद हमें खलजी का मदरसा देखने को मिला है। आइए दिखाते हैं आपको खलजी का मदरसा कैसा है। इस समय आप जो देख रहे हैं इसी को खलजी का मदरसा कहते हैं। आप लोगों को मैं अंदर जाकर दिखाता हूँ। काफ़ी रात हो गई है। अब मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ और आप लोग बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा रहा। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और मैं मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।